हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा आज आपको प्लेन डोसा बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। साउथ इंडिया में कई तरीके के डोसे फेमस हैं, प्लेन डोसा भी उनमें से एक है। यदि आपके पास उड़द दाल और चावल का बैटर तैयार है तो आप इसे 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह खाने में काफी टेस्टी लगता है, इसे बनाना बहुत आसान है। प्लेन डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम उड़द दाल और चावल का बैटर। इसकी रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल रेनू मिश्रा पर जाकर हाउ टू मेक इडली एंड डोसा बैटर पर देख सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक बैटर में मिक्स करने के लिए, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डोसे को सेकने के लिए, आधा प्याज कटा हुआ तवे पर रब करने के लिए। सबसे पहले मैं बैटर में नमक डालकर मिक्स कर लेती हूँ। बैटर में नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी मुझे कुछ थिक लग रही है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। डोसा बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होना चाहिए। प्लेन डोसा बनाने के लिए बैटर हमारा तैयार है। अब मैं प्लेन डोसा बनाने के लिए डोसे का तवा गरम करने रख देती हूँ। डोसा बनाते समय यदि आप नॉनस्टिक तवा का यूज करेंगे तो डोसा फैलाने में आसानी होगी और डोसा तवे पे चिपकेगा नहीं। तवा हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ और तवे पर 2 ड्रॉप ऑयल डालकर प्याज से रब कर देती हूँ। और तवे को टॉवल नैपकिन से क्लीन कर देना है जिससे कि डोसा फैलाने में डोसा तवे पर चिपके नहीं। अब मैं 2 बड़े चम्मच बैटर तवे पर डालकर फैला देती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। डोसे का साइज आप अपनी चॉइस के अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम फुल कर देती हूँ जिससे कि डोसा हमारा किनारियों से आसानी से छूट जाए, और आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऊपर से डाल देती हूँ जिससे कि डोसा हमारा क्रिस्पी सके। अब मैं डोसे को क्रिस्पी होने तक सेक लेती हूँ। डोसा हमारा एक तरफ से क्रिस्पी सिक चुका है। डोसे को हमें एक ही तरफ से सेकना होता है। अब मैं डोसे को फोल्ड करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे डोसे सेक कर तैयार कर लेती हूँ। हमारा दूसरा डोसा भी क्रिस्पी सिककर तैयार है। अब मैं इसे भी फोल्ड करके प्लेट में निकाल देती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। प्लेन डोसा बनकर तैयार है। अब मैं प्लेन डोसों को नारियल मूंगफली की चटनी और सांभर के साथ सर्व कर लेती हूँ। नारियल मूंगफली की चटनी और सांवर की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। प्लेन डोसा बनकर तैयार है। आप इन्हें नारियल मूंगफली की चटनी और सांवर के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
जिससे आपके पास मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।